हेलो फ्रेंड, आज हम लोग द हिंदू का 13 मार्च 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। तो टोटल इसमें 7 आर्टिकल्स है, लास्ट में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। तो जो पहला आर्टिकल है रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ अ ब्लूप्रिंट टू सेव द साउथ इंडियन वल्चर, द सिलेबस रिलेटेड टू दिस आर्टिकल आर गिवन इन द राइट हैंड साइड। तो वल्चर हम लोग को पता है कि वल्चर इंडिया में मतलब कि पूरा एक्सटेंट होने के मतलब कि कगार पर है। लगभग बहुत सारे वल्चर बहुत जगह पर नहीं अब देखने को मिलते हैं। तो वल्चर क्या है? एक तरह का स्कैवेंजिंग बर्ड है जो कि तुम्हारा न्यू वर्ल्ड में कैलिफोर्निया एंड इंडीज में पाया जाता है, और ओल्ड वर्ल्ड में वाइट रैम्प एंड रेड हेड वल्चर पाया जाता है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में पाया जाता है, यहाँ पर यूरोप अफ्रीका और एशिया में भी पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो मतलब कि बहुत सारे टाइप ऑफ वल्चर होते हैं, जैसे कि ओरिएंटल वाइट ब्लैक वल्चर होता है, फिर उसका लॉन्ग बेल्ड वल्चर होता है, फिर यूरोशियन वल्चर होता है, हिमालयन बल्चर होता है, इजिप्शियन बल्चर होता है, रेड हेड बल्चर होता है, बहुत तरह के बल्चर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि वाइटल रोल इन इकोसिस्टम क्लीनिंग रोटेन कारकेसेस। तो जो भी सड़ा गला बॉडी होता है उसको सबको ख़त्म मतलब खा के ख़त्म करता है, मतलब कि एक तरह से स्कैवेंजिंग मतलब एनिमल है। फिर रिलीजियस प्रैक्टिस भी है पारसी कम्युनिटी में, क्योंकि पारसी कम्युनिटी में जो बॉडी का बर्यल होता है वो स्काई के अंदर मतलब कि स्काई में ही मतलब कि रख दिया जाता है खुले आसमान के अंदर नीचे, कि वो अपने आप स्कैवेंजर सब खा जाए। ठीक है, बॉडी को। तो डिक्लाइन पॉपुलेशन ऑफ इजिप्शियन वल्चर सिंस 1990s, वाइट रम्प्ड लॉन्ग बिल्ड एंड मीनी 97% जो पॉपुलेशन है डिक्लाइन कर गया है। ठीक है, कंजर्वेशन कंसिक्वेंस इसका क्या हुआ कि अफेक्ट द इक्विलिब्रियम बिटवीन द पॉपुलेशंस ऑफ अदर स्कैवेंजिंग स्पीसीज, इंक्रीजेस पॉपुलेशन ऑफ फेरल डॉग्स। ठीक है, इंक्रीज इन द लाइक मैनी अदर एनिमल्स और रिक्स है कि वाइल्ड लाइफ और लाइफ स्टॉक्स एंड ह्यूमंस और मतलब कि और भी अफेक्ट करता है, जैसे कि अफेक्ट्स ऑन द पारसी ट्रेडिशन, पारसी के ट्रेडिशन पर भी अफेक्ट करता है। अब तीन तरह का वल्चर यहाँ पर दिखा रहा है कि वाइट रैम्प्ड वल्चर है, वाइट बैग्ड हम वल्चर है, ठीक है, लॉन्ग बिल वल्चर है जो कि इंडियन वल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर सिलेंडर बिल्ड वल्चर है। ठीक है, अब इसका मतलब कि आयुषियन स्टेटस क्या है, तीनों का तीनों क्रिटिकली इंडेंजर है। ठीक है, तीनों का तीनों साइट के अपेंडिक्स 2 में है। ठीक है, तीनों का तीनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 में है, CMS में अपेंडिक्स 1 में। CMS क्या है? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसका अभी अभी इंडिया में होस्ट किया है उसका कॉन्फ्रेंस कॉप। फिर रीजन ऑफ डिक्लाइन क्या डिक्लाइन है कि वेटनरी यूज ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स डाइक्लोफेनाक जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1980s में, जिसके कारण से मतलब कि कारकास ऑफ द लाइफ स्टॉक ट्रीटेड विथ कंटेन ड्रग्स किडनी, जिसके कारण से अगर वो वल्चर इसको खा रहा था उसके मरे हुए जानवर को, तो किडनी फेलियर वल्चर का बहुत ज़्यादा होने लगा। तो एक्शन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्शन लिया कि एक्शन प्लान फॉर द वल्चर कंजर्वेशन इन इंडिया 2006 बैंडेड द डाइक्लोफेनाक इन अ वेटनरी मेडिकल वल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम एक्सेटू इन सीटू लाया गया। 2015 में लार्ज वायरल्स ऑफ डाइक्लोफेनाक फॉर द ह्यूमन यूज ऑल्सो बैंड।
फिर अदर ड्रग्स जो टॉक्सिक है वल्चर के लिए, वो है तुम्हारा एसिलोफेनिक, फिर फ्यूनिक्स, और जो नॉन टैक्सिस है वो है तुम्हारा मेलोक्सी मेलोक्सिकेन, ये नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। फिर उसके बाद इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा हुआ, तो प्रीलिम में ये क्वेश्चन पूछा 2012 में कि ड्रग्स यूज वल्चर में, वल्चर विच यूज टू बी वेरी कॉमन इन इंडिया कंट्री साइड सम ईयर अगो एंड रेयरली सीन इन नाउ अडेज इज एट्रीब्यूट टू द ड्रग्स यूज बाय द कैटल ओनर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट द इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी ड्रग्स और कॉस्मेटिक दैट इज लाइकली टू इन्वॉल्व एनी रिस्क फॉर द ह्यूमन बींग और एनिमल, बिल्कुल सही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोहिबिट द इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक दैट डज नॉट हैव थेरेपी वैल्यूज क्लेम, नहीं ये बैंड कर सकता है। फिर ड्रग्स ऑफ डेक्लोफेनाल्स फेनेक्स इज बैंड इन इंडिया, नहीं एनिमल वाला बैंड है, बाकी ह्यूमन में अभी भी यूज होता है। इनकरेक्ट पूछा, यानी कि 2 और 3 इनकरेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि अबाउट द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव, जो कि सीबीआई जिसके का जिसको पालन नहीं किया गया, तो सीबीआई इंस्पेक्ट्स फायर वर्क यूनिट्स इन शिवकाशी, जो कि तमिलनाडु में। द सिलेबस रिलेटेड टू दिस आर्टिकल आर गिवेन इन द राइट हैंड साइड। तो ये क्या है कि अक्टूबर 23, 2018 में सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आया था इन अर्जुन गोपाल एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या बोला गया था कि ओनली क्रैकर विथ रिड्यूस इमिशन एंड ग्रीन क्रैकर वुड बी परमिटेड टू बी मैन्युफैक्चर सोल्ड। कोर्ट ऑल्सो बैंड द यूज ऑफ बैरियम साल्ट इन द फायर वर्क। तो बैरियम साल्ट होता क्या? बैरियम साल्ट होता है कि जो मतलब कि फायर यूनिट्स में, फायर क्रैकर में यूज होता है, और ये ग्रीन कलर देता है फायर को, ठीक है, क्रैकर को। तो क्या हुआ कि आफ्टर दीपावली 2019 एलिगेशंस ऑन अ फायर वर्कर यूनिट फॉर वायोलेटिंग द ग्रीन क्रैकर नॉर्म्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग यूज ऑफ बैरियम साल्ट, अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट व्हिच रिपोर्टेड डायरेक्टेड सीबीआई टू कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑन अ फायर वर्क यूनिट्स। अर्लियर सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड फायर वर्क यूनिट टू प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर क्रैकर्स यूजिंग द फॉर्मुलेशन फाइनलाइज बाई द पिसो NERI। NERI हैज़ बीन गिवेन अ स्पेसिफिक न्यू इम्प्रूवमेंट फॉर्मुलेशन फॉर द टाइप ऑफ क्रैकर्स, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि बैरियम साल्ट आर फाउंड टू बी मिस यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, द यूज ऑफ विच रिपोर्ट्स टू हैव कॉज अ हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये जो बैरियम साल्ट होता है वो फायर यूनिट्स में यूज होता है, पोएट्री फार्मिंग में एक एक मेडिसिन यूज होता है जिसका नाम है कोलेस्टिन, जो कि चिकन को दिया जाता है ताकि उसका मांस और वेट इंक्रीज कर जाए, कोलेस्टिन। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट द वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर टू कॉम्बैक्ट जेंडर वायलेंस। द सिलेबस रिलेटेड टू दिस आर्टिकल आर गिवन इन द राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन वुमेन द ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द जेंडर इक्वालिटीज एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स। 5 प्रायोरिटीज एरिया क्या क्या है कि इंक्रीज वुमेन लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन, एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, एंगेजिंग वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी प्रोसेस, इनहेंस वुमेन
economic empowerment, making gender equality central to the national development plan and budgeting. बीजिंग डिक्लेरेशन जो कि 1995 में हुआ था अडॉप्टेड द यूनाइटेड नेशन फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन अडॉप्टेड द प्रिंसिपल टू इंश्योर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन रिमूव ऑब्स्टेकल्स टू वुमेन्स पार्टिसिपेट्स इन ऑल स्फीयर इक्वल शेयर ऑफ इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग SDG related to women empowerment concurs SDG sustainable development goal 5, 8 or 16 जो 5 बोलता है gender equality and empowering all girls and women 8 बोलता है SDG 8 बोलता है inclusive and sustainable development share prosperity and decent work for all SDG 16 बोलता है promote peaceful and inclusive societies for sustainable development access to justice for all फिर what is क्या issue है तो only 25% seats held in held by women in the national parliament women aged 25 to 34 are 25% more likely than the likely than men to live in poverty women do 3 times as much unpaid care and domestic work as men. 39% of the women, 39% of the employed women work in agriculture, but only 14% are agricultural landholders. Gender gap in labor force participation, age 25 to 54, has stagnated at 31% for 20 years. सोल्यूशन क्या है कि इनैक्ट एंड इन्फोर्स लॉ टू एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस सपोर्ट्स फेमिनिस्ट मूवमेंट हार्डनेस टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन थ्रू कोऑपरेटिव अब इससे रिलेटेड प्रीलिम में ये मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है जीएस पेपर वन में कि द बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन वाज अडॉप्टेड इन 1995 फॉर वुमेन एम्पावरमेंट दोज द वर्ल्ड हैज बिकम मोर अकोमोडेटिव टू वर्ल्ड ओवर द लास्ट 25 इयर्स अलॉट नीडेड टू बी चेंज्ड टू अचीव जेंडर इक्वालिटी एलिब्रेट ठीक है नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द डेंजर अहेड जो कि तुम्हारा रिलेटेड है अबाउट द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 तो स्पेशली इंक्रीज द फाइन फॉर द सेवरल वायलेशंस फाइन तो इंक्रीज कर गया लेकिन अदर इम्पोर्टेंट फीचर लाइक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड सेक्शन 215B इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी some important after the importance after the amendment ministry of road transport dies due to the road accident has started reducing crashes has started declining notable in Gujarat UP Manipur Jammu Kashmir Andhra Pradesh Chhattisgarh and Maharashtra रियलिटी क्या है कि नो मार्क डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ डेथ और दोज हुर इनकैपेसिटेटेड बिकॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट सिंस 2015 अराउंड 1.5 lakhs पीपल एनुअली आर लूजिंग लाइफ वर्ल्ड बैंक इन डिलीवरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया लीडरशिप प्रायोरिटीज एंड इनिशिएटिव्स to 2030 rapid motorizations and more high speed road infrastructure and have this risks for the road user measures to improve road safety india should adopt scientific road system characteristic by the good engineering sound enforcement use of technology addressing the need of vulnerable roads user
तो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटीज टू बी की ड्रिवन अंडर सेक्शन 215 दीज कम्युनिटीज शुड प्रोड्यूस पब्लिक हियरिंग मैंडेटरी एवरी मंथ टू बी सुपरवाइज बाय द डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटीज कमिटी सस्टी by the union minister for the each district chair and chaired by the member of Lok Sabha. तो mandatory कर देना चाहिए कि placing the efficient functioning and maintenance of the dashboard cameras, video evidence to be taken for the heavy investigation enforcement and for the policy making quality trauma care with a free treatment facility at the district level required to have same life. तो इसमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे सकते हैं प्रीलिम में ये मेंस का जीएस पेपर 2 और 3 में पूछ सकता है कि हाउ फार द रिसेंट अमेंडमेंट टू द मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 विल बी इफेक्टिव इन ट्रांसफॉर्मेशंस मेकिंग इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अ साइंटिफिक वन वाई. तो ये 150 वर्ड में लिखना है. फिर एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू द इको सेंसिटिव जोन. तो रिसेंटली मतलब कि बनागट्टा नेशनल पार्क जो कि बेंगलोर के में ही है वो उसका इको सेंसिटिव जोन को रिड्यूस किया गया हटाया गया. तो इको सेंसिटिव जोन क्या होता है कि दे एक्ट एज अ ट्रांजिशन जोन फ्रॉम द एरिया ऑफ हाइयर प्रोटेक्शन टू द एरिया इन बोथ द लेसर प्रोटेक्शन. बिल्कुल सही है. ऑल द एक्टिविटी इन द जोन आर प्रोहिबिटेड. नहीं सारा एक्टिविटी नहीं प्रोहिबिट कुछ एक्टिविटी प्रोहिबिट किया जाता है. The width of the ecosystem zone is not the same for each protected area. हाँ बिल्कुल सही है. लेकिन मिनिमम माना गया 10 किलोमीटर. इको सेंसिटिव जोन्स आर नोटिफाइड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. बिल्कुल सही है. फिर ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन है ये देख लेना ठीक है. फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द फार राइट टेररिज्म इज द बिगर थ्रेट फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ जर्मनी. तो जर्मनी में एक AfD पार्टी जो कि राइट एक्सट्रीम राइट विंग्स फिलोसफी रखता है वो मतलब कि पावर में ज़्यादा आते जा रहे हैं ठीक है. तो अब जर्मनी से बॉर्डर से किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है वो देख लेते हैं. तो जर्मनी जो है वो नॉर्थ सी से हाँ बॉर्डर से करता है, डेनमार्क से हाँ करता है, बाल्टिक सी से हाँ करता है, पोलैंड से करता है, फिर उसके बाद चेक रिपब्लिक से भी करता है, फिर उसके बाद नीदरलैंड से भी करता है और बेल्जियम से भी करता है ठीक है. तो यहाँ पर इटली को हटा दो. तो इटली वाला जो ऑप्शन है 3 वो हटा दो तो बाकी सारा से टच करता है 1, 2, 4, 5 यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा. फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द फॉरेक्स स्वाइप. फॉरेक्स कुछ नहीं होता, फॉरेन एक्सचेंज स्वाइप होता है जो कि फॉरेन एक्सचेंज से यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फॉरेन करेंसी बाय द RBI इसी को बोलते हैं फॉरेक्स. अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलेगा तो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है कि बाइंग सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द RBI. अब जब सेल करेगा तो बैंक खरीदेगा तो पैसा बैंक पे करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए. तो मतलब कि पे करेगा तो यानी कि RBI पैसा को स्टॉप कर रहा है यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा. अगर अगर वो बाई कर रहा है अगर मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस बाई कर रहा है तो पैसा दे रहा है बैंक को, तो बैंक को पैसा दे रहा है, बैंक फिर पैसा देगा कस्टमर को ठीक है. तो इससे तुम्हारा वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारा वो लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा फ्लो होगा. तो लिक्विडिटी ज़्यादा फ्लो होगा तो सब के पास परचेसिंग पावर आएगा ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा सी.
फिर ये बेरियम साल्ट तो देखे हैं, फायरवर्क में यूज होता है, फिर ये भी देख लिए हैं, ठीक है। और ये मेंस मेंस का क्वेश्चन है, ये ट्राई करना, ये भी एक मेंस का क्वेश्चन जीरो पेपर 2 में 1 में पूछ सकता है, ये भी ट्राई करना। और आंसर सारा मतलब यहाँ पर दिया हुआ है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, बाय।